सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद खड़क है। रमेश चंद खड़क जी, जी रमेश चंद खड़क जी, आज भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर त्राही त्राही मच रही है। एक घाव ठीक नहीं होता उससे पहले दूसरा घाव दे दिया जाता है, क्या मंशा है सरकार के और ये अधिकारियों की? देखिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से देश के अंदर जो दलित समाज है उस पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस तरह बढ़ गया है कि अभी मेरे भाई ने जो बताया, वकील साहब ने, कि हर 5 मिनट के बाद अत्याचार होता है हमारी बहन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, सरियाम बदतमीजी होती है, नंगन किया जाता है, उनको गांव में घुमाया जाता है। अभी आपने देखा होगा बुलंदशहर की एक घटना है, ताज़ा घटना है, पिछले भी वीक की है, वहाँ पे एक महिला को नंगा करके घुमाया गया, मारा गया, पीटा गया, और वहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, वो सब, उनकी शरारत होती है, उनका हाथ होता है, किसी ना किसी तरह से हम लोगों पर अत्याचार किया जाता है और हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। आज देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आरक्षण समाप्त किया है, समाप्त कर दिया है, उसमें सरियाम बीजेपी का हाथ है, बीजेपी के पहल पे ही ये कार्य किया गया है, वरना सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ऐसे फैसले सुना सके, जो दलित समाज के हक में छेड़छाड़ कर सके। ये बहुत ही गहन और दुख का विषय है। इस दुख के लिए, इस SC/ST आरक्षण के विरोध में मैं पूरे भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि वो सब एक मंच पर होकर, एक आवाज़ के साथ, एक बैनर के नीचे होकर आवाज़ अपनी बुलंद करें और ऐसी आवाज़ करें, इस सरकार को ऐसा जवाब दें कि इस सरकार की ईंट से ईंट भिड़ जाए और सरकार को समझ में आए और सरकार अपने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको लेने पर विवश हो जाए, मजबूर हो जाए, तभी हमारी जीत होगी। जब तक हम सब लोगों को एक साथ एकजुट होकर सड़कों पर धरने प्रदर्शन देने चाहिए और यदि हमारी गिरफ्तारी भी होती है, कोई पुलिस केस भी होता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यदि आज हम डर जाते हैं तो जो बाबा साहब का जो मिशन है, जो बाबा साहब जिस मिशन को लाए थे और कह जो उन्होंने कहा था कि मेरे मिशन को कभी ख़त्म मत होने देना, तो आज हम उन बाबा साहब के बच्चे हैं, मिशनरी हैं, बाबा साहब का खून हमारी रंगों में है, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। यदि हमारी जान भी जाती है तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। साहब जी, आपने अच्छा बोला कि अगर हमारी जान जाती है हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सब बाबा साहब ने बड़े ही दुख के साथ ये कहा था कि जिस समाज के अंदर 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 20 वकील जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन इस समाज को कोई टच नहीं करेगा, लेकिन आज तो लाखों की तादाद में वकील हैं, जैसे अभी हमारे राव साहब हैं, डॉक्टर भी लाखों की तादाद में हैं और वकील भी लाखों की तादाद में, इंजीनियर भी लाखों की तादाद में हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने तक सीमित हैं, न कि समाज तक। ये बड़े दुख की बात है कि आज लाखों इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, IAS हैं, IPS हैं, चारों लाखों होने के बावजूद भी हम लोग उस स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोग ही मुझे धोखा देंगे, जो आगरा के अंदर ये बोला था, और मेरे जो खतरा है वो पढ़े लिखे लोगों से ही है, बाकी लोगों से नहीं है, बाकी लोग सब एकजुट होकर मेरे मिशन को बढ़ाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2-4 कम्युनिटी ऐसी हैं जिनमें IAS IPS और इंजीनियर एडवोकेट वो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के हर बात सुनते हैं, समाज के हर मीटिंग में जाते हैं, यदि किसी के साथ कोई भी घटना होती है उस घटना को सब मिलकर लड़ते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। जो इंजीनियर हैं सरकारी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सरकारी नौकर हैं, जिन्हें सरकारी नौकरियाँ मिल गई हैं, वो तो बिल्कुल भी बाबा साहब के मिशन में मेरे विचार से नहीं ध्यान देते हैं। जब तक वो नहीं हमें सहयोग करेंगे, जो हमारे सोशल वर्कर हैं, समाज सुधारक हैं, जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो तब करेंगे जब हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जो हमारा सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तो क्योंकि तभी हमें एक ताकत आएगी, एक जोश पैदा होगा।